नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं शरदला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने दमकल विभाग को आदेश दिया है कि पूरी दिल्ली में पानी की बौछारों से पेड़ों की धुलाई की जाए, जिससे प्रदूषण की रोकथाम हो सके। जिसके बाद दिल्ली अग्निशमन विभाग ने सुबह और शाम को दिल्ली में 13 ऐसे स्थानों पर सड़क और पेड़ों पर छिड़काव शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर दिल्ली अग्निशमन विभाग के डायरेक्टर अतुल गर्ग से बातचीत में बताया गया कि इस काम में अग्निशमन विभाग ने 10 से ज्यादा फायर टेंडर को लगाया है, जो सुबह और शाम को पानी का छिड़काव कर रही हैं। इसमें करीब 40 से ज्यादा दमकल कर्मचारी कार्यरत हैं। देखिए, ये एक अब SOP हो गया, जैसे ग्रेड 3 आता है तो ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्शन आ जाता है और हमारा सेट है वो प्रोसीजर भी। जो हॉट स्पॉट हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, हम सबसे पहले पानी वहाँ छिड़कते हैं। और जो पानी छिड़कने की कार्रवाई सुबह और शाम हम करते हैं, सुबह करीब 7 से 9 या 9:30 तक और शाम को करीब 3 से 5 5:30 बजे तक। इसमें करीब 10 से 12 गाड़ियाँ हमने लगाई हुई हैं, जो कि सारे ही हॉट स्पॉट पर पानी छिड़कती हैं। और ये जो गाड़ियाँ, ये ऐसा नहीं है कि एक बार जो है पानी खाली करके आ जाए, ये जाती हैं फिर स्टेशन पर आती हैं, पानी भरती हैं, फिर छिड़कती हैं। जैसे करीब करीब आज हमने करीब 1,00,000 लीटर से ज़्यादा पानी छिड़का होगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे ही गेट 3 का आता है, हमारे पास इंडिकेशन आता है, हम इसको क्या कहते हैं, पानी छिड़कना शुरू कर देते हैं। अब तो ये एक बिल्कुल SOP बन चुका है। सर, कितने कर्मचारियाँ इसमें शामिल हैं, क्योंकि पोल्यूशन है तो काफ़ी समय भी लगता होगा, काफ़ी कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे? देखिए, इसमें क्योंकि ये फायर फाइटिंग नहीं है, पानी छिड़काना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम एक गाड़ी पे 3 आदमी भेजते हैं, एक ड्राइवर होता है और 2 आदमी जो पानी छिड़काव का काम करते हैं। तो आप ऐसे समझिए, अगर हमने 12 गाड़ी लगा दी हैं तो 12 से 36 से 40 आदमी करीब जो हैं इस काम में लग जाते हैं। सर, बात करें कि कब तक ये जारी रहेगा? जी, जब तक ये ग्रेड 3 रहेगा, ये हमारे पास दोबारा आएगा कि अगर एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है तो फिर हम बंद कर देते हैं, एयर क्वालिटी अगर ख़राब हो जाती है तो फिर हम शुरू कर देते हैं। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। सर, ये बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे इलाके जो आपको याद हो चिन्हित, कि आप वहाँ पर फिलहाल? जी, मेन जो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे आनंद विहार है, विवेक विहार, आनंद विहार का एरिया जो हॉट स्पॉट में आता है, आरकेपुरम भी है, पंजाबी बाग भी है, जहांगीरपुरी भी था। तो करीब 13 हैं ऐसे पॉइंट जो हॉट स्पॉट हैं, मेरे को सारों के नाम याद, रोनी भी एक उसमें है। तो ऐसे 13 स्पॉट हैं, उन पर ही ज़्यादातर पानी छिड़कते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन लेवल रिकॉर्ड किया जाता है। सर, इससे कहीं ना कहीं पोल्यूशन में फैलने में काफ़ी कंट्रोल में होता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। देखिए, जैसे हम सुबह पानी छिड़कते हैं, क्योंकि सुबह पानी में डस्ट बैठ जाती है, क्योंकि सुबह सुबह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ निकलती हैं, बस निकलती है, धूल उड़ती है। अगर धूल बैठी होगी तो कम उड़ेगी। यही शाम का रीज़न है कि शाम को जब आप लोग घर जाना शुरू करते हैं, ऑफिस ख़त्म होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो बसें, ट्रैफिक जो है ज़्यादा होता है उस समय। तो इससे काफ़ी तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए प्रदूषण को लेकर, अगर बात कर लें तो इस वक्त दिल्ली की स्थिति कैसी बनी हुई है? अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी जो है वो लगातार निरंतर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज सुबह की बात करें तो लगभग सदर बाजार एरिया की बात करें तो लगभग 6:30 बजे का जो एक्वाई लेवल था वो लगभग 200 था, और यानी कि रेड जोन के अंदर गिनती होती है। यहाँ पर बात करें लगातार बाकी एरियो की बात करें, नरेला की बात करें या आरकेपुरम की बात करें या फिर कहें आनंद विहार की बात करें, वहां पर भी सुबह के समय कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं जनता को परेशानियों को सामना करना पड़ता है। और दिल्ली सरकार के द्वारा फायर विभाग के अधिकारियों को कहीं ना कहीं आदेश दिए गए हैं कि पेड़ों के ऊपर छिड़काव किया जाए, सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए, जिससे पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो कम हो सके। मगर यहाँ पर लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन की स्थिति बढ़ रही है, उससे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर बनती नजर आ रही है। और इसी को लेकर हमने फायर विभाग के डायरेक्टर से अतुल गर्ग से जब बात की, तो उन्होंने भी बताया कि लगभग रोज की लगभग उनके पास से 12 गाड़ियां जो है जो पानी का छिड़काव करने के लिए निकलती हैं, और लगभग 40 के करीब जो है जो एम्प्लॉई है वो काम करते हैं। और लगातार कहीं ना कहीं हर इलाके की बात करें जहां पर भी रेड जोन का खतरा बनता है या फिर कहें फायर पॉल्यूशन की स्थिति बढ़की आती है या फिर कहें कि पॉल्यूशन की स्थिति सबसे ज्यादा डरावनी नजर आती है, वहां पर सबसे ज्यादा पहले पानी छिड़काव किया जाता है, और सुबह के समय और शाम के समय सबसे ज्यादा पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो कंट्रोल की जा सके। मगर
लगातार दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और उसको लेकर राजनीति भी होती नजर आई, निगम चुनाव के अंदर भी आरोप लगाए गए कि दिल्ली के अंदर कह सकते हैं पॉल्यूशन बढ़ा है तो उसकी जिम्मेवार दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी आदेश दिए गए फायर विभाग को भी और यहाँ तक की और अधिकारियों को भी कि पॉल्यूशन की स्थिति को कंट्रोल किया जाए। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ की जो प्रक्रिया है उसको जरूर परमिशन नहीं मिल पाई है, मगर अभी भी कोशिश की जा रही है गाड़ियों को कहीं ना कहीं जब रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी हो तो लोग बाग अपने आप ही गाड़ियों को बंद करें और ताकि पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो और ज्यादा घट सके। मगर यहाँ पर निरंतर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं आम जनता की परेशानियां जरूर देखने को मिल रही है। जी राजीव, वहीं बात कर लें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो है अभी दावा भी करती हुई आ रही है कि अगर हम एमसीडी में आते हैं तो ये प्रदूषण हो गया या किसी भी तरीके की जो भी समस्याएं हैं वो कम की जाएंगी। हालांकि अगर बात दिल्ली सरकार की कर ली जाए तो अभी तक क्या क्या स्टेप जो हैं उठाए गए हैं प्रदूषण को कम करने के लिए? देखिए यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के द्वारा बेशक निगम चुनाव के अंदर भी वादे किए गए और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अगर निगम के अंदर आते हैं तो सबसे ज्यादा काम किया जाएगा, दिल्ली सरकार ने बेहतर काम किया, इस तरीके के तमाम वादे किए गए थे। मगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने फायर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार जो प्रयास किए हैं वो अभी तक इतने कारगर होते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा जिस तरीके से दिवाली पर भी पटाखों पर रोक लगाई गई थी मगर फिर भी पटाखे जलाए गए और पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया, लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें तो उनको सबसे ज्यादा परेशानियों को सामना करना पड़ा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आप दिवाली भी कई लगभग ऐसे एक महीना हो चुका है, जा चुकी है, मगर फिर भी पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर भी दिल्ली सरकार ने फायर विभाग को भी कह सकते आदेश दे दिए गए हैं कि पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जाए ताकि पेड़ अगर साफ रहेंगे तो पॉल्यूशन के जो स्थिति है वो जरूर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल आएगी। मगर यहाँ पर बात करें अगर बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं की स्थिति जो है वो घटती हुई नजर आएगी, मगर अभी भी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो 300 से ऊपर की जा रही है, एक्वाई लेवल जो है वो 300 से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार को और कदम उठाने होंगे। और यहाँ पर बात करें रेड लाइट ऑफ और गाड़ियों ऑफ की यानी कि ऑडिवन की तो वो भी लागू करना होगा, मगर अभी तक उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में जो खींचतानी है उसकी वजह से ऑडिवन जो है वो अभी तक लागू नहीं हो पाया। जी राजीव, वहीं बात कर लें, क्या क्या परेशानी किस किस आयु वर्ग में देखी जा रही है? अगर बच्चों की बात कर लें तो इस प्रदूषण से बच्चों को क्या परेशानी हो रही है? युवाओं की बात कर लें तो युवाओं को क्या परेशानी हो रही है? और वहीं बुजुर्गों की बात कर लें तो बुजुर्गों को क्या परेशानी इस प्रदूषण के कारण हो रही है? देखिए इस पॉल्यूशन के कारण जनता को बिल्कुल परेशानी हो रही है। दिल्ली के जो निवासी हैं वो कहीं ना कहीं जब भी गाड़ियां लेके निकलते हैं तो सुबह के समय की गाड़ी बात करें तो हम सुबह के समय लोग बाग अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं स्कूलों के अंदर, जहां तक कि ऑफिस जाना है, किसी ने अपनी वर्कशॉप पर जाना है, किसी ने दुकान पर जाना है, तो जब गाड़ियों का इस्तेमाल होता है तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की स्थिति बढ़ती हुई नजर आती है और यहीं पर कहीं से कहीं जो स्थिति है वो बिगड़ती है। और यहाँ पर बात करें जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है या फिर कहें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं जो गाड़ियों इस्तेमाल करते हैं, जब रेड लाइटों पर खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा उनके अंदर जाता है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां सामने खड़ी होती हैं। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली की जनता की तो दिल्ली जनता जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है और बार बार सरकारों से गुहार लगा रही है कि सरकारें कुछ कदम उठाए, मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा जब कहीं ना कहीं फायर विभाग के अधिकारियों को भी आदेश दिए गए पेड़ों के ऊपर छिड़काव किया जाए, मगर कहीं ना कहीं स्थिति अभी भी कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं पराली का नाम लिया जाए या फिर कहें दिल्ली के अंदर गाड़ियों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार है। दिवाली पर कहीं ना कहीं पटाखे जलाए गए वो भी इसके लिए जिम्मेवार है और यहाँ तक कि ऑडिवन लागू नहीं हो पाया है तो वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए अहम मुद्दा माना जा रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है वो कोशिश जो है वो अभी भी कामयाब होती हुई नजर रही है और जैसे जैसे ठंड बढ़ती नजर आ रही है उसके द्वारा कहीं ना कहीं और ज्यादा पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो बढ़ रही है। मगर बारिश अगर होती है तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की स्थिति जरूर घट सकती है और उसके अंदर ठंड का एहसास भी होता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर परेशानियों की बात करें तो परेशानी बिल्कुल जनता को हो रही है और खासतौर पर उन लोगों को जिन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार सरकारों से गुहार की जाती है सरकारें इस तरफ भी कहीं ना कहीं ध्यान दें और सरकारें को जो कदम है वो ज्यादा से ज्यादा उठते हुए नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से फायर विभाग के अधिकारियों ने भी कहा कि हम लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं, लगातार 10 से 12 गाड़ियां जो है वो लगाई जा रही है, लगातार लगभग 40 के जो कर्मचारी हैं वो लगाए गए हैं और जिन जिन इलाकों के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति सबसे बढ़ रही है उन इलाकों में पहले सबसे जाकर फायर विभाग जो है वो पानी का छिड़काव करता है। मगर यहाँ पर स्थिति अभी भी सामान्य होती नजर नहीं आ रही है जिसके लिए दिल्ली सरकार को कुछ और कदम उठाने होंगे या फिर कहे उपराज्यपाल से बैठकर बातचीत करनी होगी ताकि दिल्ली के अंदर ऑडिवन भी लागू हो सके और पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो और ज्यादा कम हो सके। जी
राजीव, वहीं बात लोगों की कर ली जाए तो लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि AQI लेवल बहुत खराब श्रेणी में इस वक्त पहुंचा हुआ है, तो ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, यहाँ पर लोगों की बात करें तो लोग बिल्कुल परेशान हैं। लोगों की परेशानियों का सामना जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को करना पड़ता है। कई बार जब अस्पतालों के अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी कहते हैं कि आप मास्क लगाइए या फिर कहे पॉल्यूशन से बचने के लिए इंतजाम कीजिए, ये घरों के अंदर ज्यादा रहिए। मगर युवा जो है या फिर कहीं जो लोगों को जॉब पे जाना होता है वो घर में नहीं रुक सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें बाहर निकलना पड़ता है, पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है। मगर यहाँ पर स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार को बेशक एक दो बार पहले भी प्रयास किया जा चुका है, उपराज्यपाल के द्वारा बैठ के बातचीत करने की कोशिश की गई है, फाइल को पास कराने की कोशिश की गई है, ऑडिबल लागू कराने के लिए कोशिश की गई है। मगर अब अभी भी बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो फाइल है उपराज्यपाल के पास वो पास नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर ऑडिबल लागू नहीं हुआ है। डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर बार बार गाइडेशन दे रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि घरों के अंदर रही है, मगर यहाँ पर पॉल्यूशन की जो स्थिति है वो अभी भी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इसका सामना जो है सबसे ज्यादा युवा और जो कहते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को करना पड़ रहा है, बच्चों को करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो स्कूलों के लिए जाते हैं सुबह के समय, और युवा की बात करें तो वो काम धंधे के लिए जाते हैं, अपने जॉब के लिए जाते हैं, और जो बुजुर्ग है वो कहीं ना कहीं पहले ही सांस लेने की या फिर कहे बीमारी की वजह से कहीं ना कहीं वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर परेशानियों को समझने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कदम उठाना होगा, और उनको कंट्रोल करने के लिए भी दिल्ली सरकार को ही आगे आना होगा। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार के कहीं ना कहीं जो कदम है वो इतने कारगर होते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में हो सके। जी राजीव, वही बात राजधानी की अगर कर ले तो राजधानी में सबसे डेंजर जोन में कौन से इलाके हैं जहां पे प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है? देखिए, जिन इलाकों की बात करें पॉल्यूशन की स्थिति सबसे ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है सुबह के समय की बात करें तो लगातार सुबह के समय सभी इलाकों की बात करें, चाहे RKपुरम की बात करें, नरेला की बात करें, बवाना की बात करें, आउटर दिल्ली की जहां भी बात करें या फिर कहें सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो सेंट्रल दिल्ली में भी पॉल्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। और इस समय की बात करें सुबह के 6:30 बजे की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो 200 AQI लेवल देखा गया है, तो यानी कि 200 भी कहीं ना कहीं सामान्य श्रेणी से ज्यादा बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उससे तो कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर बनती नजर आ रही है, और लोगों को भी इसके अंदर अपना योगदान देना होगा। गाड़ियां चलाते हैं बेशक रेड लाइट पे जाएं तो कहीं ना कहीं अपनी गाड़ियों को कहीं ना कहीं पहले ऑफ कर दे ताकि पॉल्यूशन जो है वो थोड़ा बहुत तो कम हो सके। मगर यहां पर जिस तरीके से लगातार जनता भी कहीं ना कहीं इसके अंदर अपना भाग दे रही है, लगातार ये भी कोशिश की जाती है कि गाड़ियों को ऑफ ना किया जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जल्दी अपने मंजिल तक पहुंचना होता है, तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं जनता को भी समझनी होगी, सरकारों की तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी पॉल्यूशन का जो स्तर है वो कंट्रोल किया जाए, चाहे वो पराली के द्वारा हो, गाड़ियों के पॉल्यूशन के द्वारा हो, या फिर कहे पेड़ों के ऊपर छिड़काव करने की परेशानियों की वजह से हो, या फिर कहे जो धूल पेड़ों पर जमती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। तो सभी चीजों को कहीं ना कहीं संभालने के लिए सरकारों को आगे आना चाहिए, केंद्र सरकार के द्वारा भी कदम उठने चाहिए और राज्य सरकार के भी द्वारा कदम उठने चाहिए, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात का अभियान में अगली कड़ी में 6 दिसंबर यानी कि आज गरियाबंद जिले के बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आमजनों से संपर्क और संवाद के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम करते हुए शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी लेंगे। वहीं आम जनता की समस्याओं पर उनसे सीधे बातचीत करेंगे, साथ ही विभिन्न संगठनों से भी मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को जानेंगे। गौरतलब है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आम जनता को प्रदेश के मुखिया से सीधा बातचीत करने का अवसर मिलता है। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुबह 6:55 राजिम रेस्ट हाउस से प्रस्थान कर सुबह 7 बजे राजिम के कुलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए और कालेश्वर धाम मंदिर से सुबह 7:30 बजे प्रस्थान कर रेस्ट हाउस वो आ गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री राजिम में सुबह 9:30 बजे अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे, उसके बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा राजिम में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। तो आपको बता दें कि
तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हासिल होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इस खबर पर। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से अखिलेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आज सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू हो सकता है, एक बार पूरी जानकारी। मुलाकात के जो दौर है उसमें चल रहे हैं और निश्चित तौर पे इसी को लेकर के गरियाबंद जिले के त्रिगेश्वर थाना अंतर्गत जो बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा है उसमें आज भेंट मुलाकात का जो दौर है वो करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे सुबह से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजिम लोचन मंदिर में आज दर्शन करेंगे, उसके पश्चात वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस से मुलाकात करने के पश्चात वो सीधा 7 बजे कुलेश्वर मंदिर में जाएंगे, उसके पश्चात ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई ऐसे जो समीक्षा बैठक है अधिकारियों का वो उसमें भाग लेंगे। तत्कालिक दौर की अगर बात की जाए तो लगभग आज जो 11:30 बजे का जो दौर है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधा पहुंच जाएंगे भेंट मुलाकात के दौर पे और जो आम जन की जो समस्या है उनको निदान करते हुए त्वरित दिखाई देंगे, क्योंकि लगातार अधिकारियों की समीक्षा बैठक आज प्रारंभिक अवस्था में कर ली जाएगी, क्योंकि लोगों की शिकायतें कल से ही प्रारंभ हो गई है कि हमारे जो आसपास के जो ग्रामीण वाले हैं उनकी क्या तथ्यात्मक है, चाहे बात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए या फिर जो वहां की मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि गरियाबंद ऐसे जिले हैं जहां नक्सल क्षेत्र भी आता है, खासतौर से राजिम क्षेत्र ऐसा है जहां की विकास की और वहां की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती, तो भी वहां के जो स्थायी रूप से अगर विधायक की बात की जाए, विधायक के पास समस्या अगर लेकर के अगर कोई पहुंचता है तो उसका निदान नहीं हो पाता है, क्योंकि विधायक ही रायपुर में निवास करते हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों की सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी शिकायत यही रही कि विधायक से मुलाकात नहीं हो पाता है। लेकिन भेंट मुलाकात में जैसे ही मुखिया के सामने में अपनी जो समस्या है उसको पटल पे रखते हैं तो एक बड़ा समाधान निकल करके सामने आता है और निश्चित तौर पर अधिकारियों की जो समीक्षा बैठक है उससे यही निर्देश और अंकित किया जाता है कि आमजनों की जो समस्या है उसको तत्कालिक निदान किया जाए और इसी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो अधिकारियों की समीक्षा बैठक है वो निर्धारित समय पे तय कर दी गई है। जी अखिलेश, जिस तरीके से लोग अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं तो ऐसे में निस्तारण की अगर अवधि की बात कर ली जाए तो कितने दिन में निस्तारण मिल जाता है, इस चीज का निस्तारण हो जाता है? देखिए, समस्याओं के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी समस्याएं क्या किस तरीके से है, क्योंकि तो मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि अगर समस्या आ रही है तो उसका तत्कालिक समाधान 1 घंटे के अंदर समाधान करने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि निश्चित तौर पे ये जो विकल्प है, क्योंकि अधिकारियों जो समस्या आ रही है वो अधिकारियों की नाकामयाबी की वजह से आती है, क्योंकि अधिकारी जो है अगर आम जन की समस्या को त्वरित निदान कर देते तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहाँ देखने को मिलता है मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचते हैं उसके सामने में जो शिकायत की जो अंबार है वो लगातार लगाते रहते हैं, तो इसी को लेकर के कई ऐसे जो समाधान है और समस्याएं हैं, चाहे समस्याओं की बात की जाए तो आधिकारिक लेवल के त्वरित समाधान किया करने का प्रावधान है, अगर समाधान नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर पे 10 से 15 दिन की अवधि में उस समस्या का तत्कालिक समाधान करने का जो नियम है वो बकायदा कर दिया जाता है, और ऐसे में अगर समाधान नहीं भी हो पाता है तो अपने जो विधायक है या फिर बात की जाए जो मुख्यमंत्री है उसे पुनः मुलाकात करके वो अर्जी लगा सकते हैं और मुख्यमंत्री निवास जो है 24 घंटे के लिए खोलने के आश्वासन भी आमजनों को देते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। अखिलेश, अगला भेंट मुलाकात कार्यक्रम कहां पर प्रस्तावित किया गया है? देखिए, अगले भेंट मुलाकात के जो प्रस्तावित है वो बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा में रखा गया है और निश्चित तौर पे वहां की जो आम जन है वो कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर तो मुख्यमंत्री से सीधा चर्चा करेंगे। बात की जाए चाहे नक्सल क्षेत्र की तो वहां वनोपज से सबसे ज्यादा जो आमजन है उनकी जो कमाई है, चाहे किसानों की जो समस्या है उसकी भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि हाल ही में जो धान खरीदी है उसको लेकर के समस्याएं सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के सामने में पटल पे रखा जा रहा है। इसको लेकर के एक टीम भी बनाई गई है लेकिन टीम जो है सुस्त भी नजर आ रही है, इसको लेकर के भी शिकायतें की गई है लेकिन अब तक की जो शिकायत और निराकरण की बात जैसी होती है तो निराकरण किसानों की सबसे कम दर पे होती जा रही है, लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर शिकायत किस तरीके से आ रही है और शिकायतों का निराकरण किस तरीके से किया जा रहा है, ये सबसे प्रमुख किया जाएगा। और बिंद्रा नवागढ़ में जिस तरीके से जो भेंट मुलाकात का जो दौर है ये काफी लोगों के अंदर उत्साह भी पैदा कर रही है और कहीं ना कहीं 2023 की जो चुनावी रणनीति मानी जा रही है इसमें भी सफलता हासिल करने की जो योग्यता है
वो भी निर्धारित की जा रही है, क्योंकि अमितेश शुक्ल जैसे जो जुझारू रहे हैं विधायक वो भी वहां से आते हैं। तो लेकिन कई ऐसे जो लोग हैं जो खासतौर से नाराज भी है अमितेश शुक्ल से, और इसके अलावा जो वहां की जो सामाजिक संगठन है वो उनकी भी मनसा रही है कि मुख्यमंत्री से सीधा रूबरू हो, ताकि इसी को ध्यान में रखते हुए बिंद्रानवागढ़ विधानसभा में ये भेंट मुलाकात का आयोजन किया गया है। जी अखिलेश, तो कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि चुनावी तैयारियां जो हैं सीएम ने करना शुरू कर दी हैं, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक अब छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं, और ऐसी अगर बात कर ली जाए तो लोकसभा 2024 के चुनाव भी हैं, तो ऐसे में चुनावी तैयारियां कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल ने तेज कर दी है, लोगों के बीच वो जा रहे हैं, लोगों से मिलना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि 2023 की चुनावी रणनीति जो है वो अभी से प्रारंभ कर दी गई है। अगर बात की जाए अन्य जो जिले हैं और वहां के विधानसभा क्षेत्र हैं उनके भी दौरा करने के लिए, खासतौर से शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो अंबिकापुर जो सबसे ऊपरी सतह है वहां से प्रारंभ किया गया था, उसके पश्चात बस्तर संभाग का दौरा किया गया, बस्तर संभाग के बाद फिर दुर्ग संभाग का दौरा किया गया, और दुर्ग संभाग के बाद अब रायपुर संभाग की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जहां से गरियाबंद से शुरुआती की गई है, क्योंकि जो पिछड़े तबके के जो ऐसे जो विधानसभा है जहां से शुरुआती किया जा रहा है, और यही लक्ष्य माना जा रहा है कि 2023 की चुनावी रणनीति वहीं से स्थापित किया जाए। और क्योंकि आसपास के जो सामाजिक जो संगठन के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने में अपनी समाज की जो समस्या है उसको रख रहे हैं, चाहे मूलभूत सुविधा की अगर बात की जाए, समाज के उत्थान की बात की जाए, ऐसे तमाम विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। इसका सीधा सीधा फायदा अगर 2023 में नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव है उसमें खासा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि कई ऐसे वर्ग हैं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नाराजी हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आरक्षण को लेकर के एक बड़ा विषय सामने आया था छत्तीसगढ़ में, अगर इसका भी समाधान हो गया है, समाधान ये त्वरित में बताया जा रहा है, लेकिन अब तक के राज्यपाल ने अनुमोदन नहीं किया है जिसकी वजह से ये रुका हुआ है, और जब तक राज्यपाल ने अनुमोदन ना कर दे तब तक ये संभव नहीं है कि 32% आरक्षण की जो देन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया है। इसको कई ऐसे भी जो वर्ग है जो चुनौती देने के तैयार हैं, तो कोर्ट सीधा जा रहे हैं, और चुनौती कब तक सहमति हासिल हो पाती है ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन ये 2023 की जो चुनावी रणनीति है साफ स्पष्ट नजर आ रही है। जी चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देश की संसद में मुंबई जिला के सांसद गोपाल शेट्टी की आवाज़ पूरी दुनिया ने तो सुनी ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सांसद गोपाल शेट्टी की आवाज़ सुनी और उनकी मांगों को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है कि चुनावी घोषणाओं के दौरान जनता को दिए गए वादों को पूरा करना चाहिए। दरअसल उत्तर मुंबई भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने देश की संसद में 3 फरवरी 2022 को अपनी बात रखी थी और मांग की थी कि कुछ राजनीतिक दल जो चुनाव के दरमियान वोटरों को लुभाने के लिए लोभ लुभाने भाषण करते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन घोषणाओं को भूल जाते हैं, उसे पूरा नहीं करते। ऐसे कुछ राजनीतिक दल देश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, ऐसे दलों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। सांसद ने अपने भाषण में कहा है कि देश के विकास के लिए चुनाव की एक अहम प्रक्रिया है, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कुछ राजनीतिक दल के लोग चुनाव के दौरान बड़े बड़े लुभावने भाषण देते हैं, मतदाताओं को गुमराह करते हैं, चुनाव जीतने के बाद उसे पूरा नहीं करते। चुनाव में दिया हुआ वचननामा पूरा करना चाहिए, राजनीतिक दल चुनावी वादों को पूरा करें, और चुनाव आयोग ने भी माना कि राजनीतिक दल ऐसे वादों को पूरा करने उन्हें करना चाहिए और चुनावी वचननामा जो दिया जाता है उसे पूरा करना जो है सभी पार्टियों का धर्म है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर अब सुनवाई कर रहा है। गोपाल शेट्टी जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं अपने देश के कुछ राजनीतिक दल जो चुनावी घोषणा करके देश के लोगों को गुमराह करते हैं मुद्दा रखना चाहता हूं। एक देश के विकास के लिए चुनाव बहुत ही अहम प्रक्रिया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और चूंकि भारत को विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए भारत में चुनाव को काफ़ी अहम भी दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय,
और इस खूबसूरती को भारत देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने 7 दशक तक चलाया रखा और देश ने खूब प्रगति भी की है। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक दल के लोग चुनावी लुभावना घोषणा करते हैं और मतदाताओं को गुमराह करने का काम करते हैं, और फिर चुनाव जीतने के बाद में वो वादे पूरा करते नहीं हैं। चुनाव में दिए गए वादे एक डॉक्यूमेंट होता है, एक वचननामा होता है, इसलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जो घोषणा चुनाव में करते हैं उसको पूरा करना जाता है, करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दुनिया के कुछ देशों ने इस प्रकार की घोषणा कर की है और वो देश आज दीवालखोरी के कगार पर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को इसके बारे में कुछ दिशा निर्देश करने के लिए। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ले, सांसद गोपाल शेट्टी ने जो मांग की थी अब उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल निशादी, देखिए सांसद गोपाल शेट्टी की यह बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरह से सांसद गोपाल शेट्टी ने संसद में आवाज उठाई थी और यह मांग की थी कि चुनाव के दौरान कुछ राजनीतिक पार्टियां लोभ लुभावने भाषण करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी उस वादों को पूरा नहीं करते हैं। ऐसे में जिन पार्टियों ने अब तक वचननामा को पूरा नहीं किया है या चुनावी भाषण के दौरान जो वादा किया गया है उसे पूरा नहीं किया है, तो ऐसी पार्टियों को तत्काल प्रभाव में बर्खास्त कर देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि यह पार्टियां देश को कहीं कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करती है। इस विषय में सांसद जी ने कई उदाहरण भी दिए हैं कि कई देशों ने इस तरह का जो है नीति अपनाई है जो बेहद गलत तरीके से है, लेकिन इस बार सांसद की आवाज जो है कहीं कहीं सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची और सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में गंभीरता लेते हुए चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि ऐसी राजनीतिक दलों पर नजर रखे। फिलहाल इस पूरे मामले में सांसद की जिस तरह से जीत हुई है ये माना जा रहा है कि अगर इस तरह से राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव रहा तो कहीं कहीं आने वाले समय में राजनीतिक दल जो चुनाव के दौरान इस तरह के संभाषण करते हैं या जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं उन पर जरूर रोक लग सकती है। जी सत्यप्रकाश, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कुछ निर्देश भी दिए हैं, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि जिस तरह से राजनीतिक दल चुनाव के दौरान तमाम जो भाषण करते हैं, लुभावने वादे करते हैं, वचननामा में बताते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सारे वादे जो है पेपर पे धरे के धरे रह जाते हैं, उन पर जो है नजर रखने के लिए चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है। अब यह मामला जो है चुनाव आयोग के संज्ञान में है, चुनाव आयोग इस विषय को गंभीरता से ले रहा है। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबारों में इस तरह की जानकारी आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीरता से संज्ञान लिया है और इस याचिका पर जो गंभीरता से सुनवाई भी करने वाली है। वहीं सत्यप्रकाश, अगर चुनाव आयोग की बात कर ली जाए, जिस तरीके से गोपाल शेट्टी ने अपनी मांग रखी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे मान लिया, तो अब चुनाव आयोग का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए चुनाव आयोग ऐसी संस्था है जो किसी तरह का अगर कोई सवाल रेज होता है, चाहे वो संसद में हो चाहे न्यायालय की तरफ से हो, चुनाव आयोग का यह दायित्व तो बनता है कि उस पर अमल करे। जिस तरह से उत्तर मुंबई भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने संसद में अपनी आवाज बुलंद की और उन्होंने यह मांग करी कि देश को अगर ऊपर लेके जाना है तो इस तरह की जो प्रणाली होनी चाहिए, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेशित किया है कि इस विषय से ले और ऐसे विषयों को गंभीरता से लेते उन पर नजर रखे कि ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जो वादा करती हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती है, कहीं कहीं आम जनता को आम जनमानस को गुमराह करने की कोशिश करती है। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से गोपाल शेट्टी ने कहा कि चुनावी वादे किए जाते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट वो गए जहां पर उन्होंने अपनी बात रखी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मान ली, तो ऐसे में किसी पार्टी का कोई रिएक्शन सामने आया हो या किसी ने इसका विरोध किया हो, कुछ ऐसी चीजें सामने आई हो? देखिए अभी सांसद जी खुद दिल्ली में है और जिस तरह से उनका संभाषण 3 फरवरी 2022 को हुआ था उसके बाद से लगातार फॉलोअप चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी कि सही में ये बात ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से चुनाव के दौरान चाहे कोई भी पार्टियां हो
तमाम जब अपना सब भाषण देती है तो कई तरह के वचननामे जनता को दिखाए जाते हैं और बताए जाते हैं कि चुनाव जीतने के बाद किस तरह से उनका काम रहेगा और इस तरह से जो है जनता के लिए वो विकास का काम करेंगे, लेकिन जब चुनाव जीतते हैं तो सारे विकास जो है पेपर पे हो जाते हैं और नेता जो है इस तमाम वादों को भूल जाते हैं। उन्हीं वादों को जो है याद दिलाने के लिए सांसद ने अपनी आवाज संसद में रखी और संसद में जो है आवाज जो है कहीं कहीं अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और उस पर अमल किया जा रहा है। चलिए सत्य प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। समय के कालचक्र ने रामनगरी अयोध्या की तस्वीर और तासीर दोनों बदल दी है। अयोध्या को लेकर उठने वाला उन्माद तारीखों के पन्नों में सिमट चुका है। दशक भर पहले 6 दिसंबर को लेकर यहां तनाव के बादल छा जाते थे, वहीं अब आपसी सौहार्द और समन्वय की छटा छा जाती है। ये अलग बात है कि बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर रूटीन अलर्ट हो जाता है, लेकिन सब कुछ सामान्य रहता है। मंगलवार यानी कि आज बाबरी विध्वंस की 30वीं वर्षी है और आपको बता दें दोनों जुड़वा शहरों में जिंदगी रोज की तरह चल रही है। अयोध्या शहर व अयोध्या धाम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोतवाली नगर व कैंट पुलिस ने शहादतगंज बाईपास पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। सीओ सिटी सैलेन सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। दोपहिया व चार पहिया वाहनों की चेकिंग की गई। अयोध्या धाम के एंट्री पॉइंट से गुजरने वाले सभी वाहनों को चेक किया गया। तो आपको बता दें कि समय के कालचक्र ने रामनगरी अयोध्या की तस्वीर और तासीर दोनों बदल कर रख दी है। आपको बता दें कि अयोध्या को लेकर उठने वाला उन्माद तारीखों के पन्नों में सिमट चुका है। दशक भर पहले 6 दिसंबर को लेकर जहां तनाव के बादल छा जाते थे, वहीं अब आपसी सौहार्द और समन्वय की छटा छा जाती है। ये बात अलग है कि बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर रूटीन अलर्ट हो जाता है, लेकिन सब कुछ सामान्य रहता है। मंगलवार को बाबरी विध्वंस की 30वीं बरसी है, यानी कि आज इसकी 30वीं बरसी है, लेकिन दोनों जुड़वा शहरों में जिंदगी रोज की तरह चल रही है। अयोध्या शहर व अयोध्या धाम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोतवाली नगर व कैंट पुलिस ने शहादतगंज बाईपास पर सघन चेकिंग अभियान चलाया है। सीओ सिटी साइलेंट सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया है। दोपहिया व चार पहिया वाहनों की चेकिंग की गई है। अयोध्या धाम के एंट्री पॉइंट से गुजरने वाले सभी वाहनों को चेक किया गया है। जनपद में ऑलरेडी हम पोस्ट प्रयास डिप्लॉयड है, इसके अलावा भी हम लोग रेगुलरली जो पोस्ट डिप्लॉयमेंट करता है उसका हर पॉइंट्स पर हम लोग मेजर पॉइंट्स पर ड्यूटियाँ लगी है। आज और आज पूरा दिन भर और कल का पूरा दिन भर रहेगी। हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी और सभी होटल दावा वगैरह भी चेकिंग भी हो रही है। और हम लोग का अभी मैंने निर्देश दे चुका हूँ, पूरा जनपद में आना जाना वाला सभी फोर व्हीलर्स को भी निगरानी सुबह से चल रही है। हर चीज़ का हम लोग चेकिंग अच्छी तरीके करिए, हमारे पूरे जनपद पूरा अच्छी तरीके पूरी चेकिंग करिए और साथ साथ अभी हम लोग लगातार शाम को टाइम बदल के उसकी पूरा टीम करिए। सर एमबा को लगातार तरह तरह के आयोजन कहीं ना कहीं दोनों धर्मों के मुताबिक हुआ था, क्या इस बार कोई रोक है? सर का कोई बात कहीं भी ऐलान नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी कहीं भी तो आपको बता दें कि बाबरी विध्वंस की 30वीं बरसी आज है, जिसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कल जो है चेकिंग अभियान चलाया गया था, जहां पर दो पहिया और चार पहिया वाहनों की चेकिंग की गई थी। समय के कालचक्र ने रामनगरी अयोध्या की तस्वीर और तासीर दोनों बदल कर रख दी है। अयोध्या को लेकर उठने वाले उन्माद तारीखों के पन्नों में सिमट चुका है। दशक भर पहले 6 दिसंबर को यहां जब तनाव के बादल छा जाते थे, वहीं अब आपसी सौहार्द और समन्वय की छटा छा जाती है। ये बात अलग है कि बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर रूटीन अलर्ट हो जाता है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव सिब्बल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए बाबरी विध्वंस की आज 30वीं बरसी है, तो इस वक्त कैसा माहौल अयोध्या में बना हुआ है, एक बार पूरी जानकारी। जी हाँ निशा, अयोध्या में जो है माहौल बहुत शांत है और चारों तरफ जो है पुलिस व्यवस्था लगी हुई है
और आम जन जो है वो आ जा रहे हैं अपने काम में। आज से 30 साल पहले जो है अयोध्या में बाबरी विध्वंस हुआ था, जिसकी की हर साल बरसी मनाई जाती है यहाँ पे। लेकिन पहले एक माहौल था कि जो है मुस्लिम समुदाय हमारा जो है वो विरोध दिवस मनाता था, लेकिन अब वो भी उस चीज से बाहर आ चुका है, कोई विरोध दिवस नहीं मनाया जाता है यहाँ पे। और चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब मिलजुल के रहते हैं, अपना काम कर रहे हैं और अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं। किसी के मन में कोई भी ऐसी भावनाएं एक दूसरे के प्रति विरोध की नहीं है। राजीव, वहीं बात कर लें, सुरक्षा कितनी टाइट यहां पर की गई है और पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुरक्षा को लेकर पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है? जी हाँ, यहाँ पे जैसा कि हर 6 दिसंबर के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी जाती है और चारों तरफ जो है पुलिस की व्यवस्थाएं बढ़ा दी जाती हैं, बाहर से भी फोर्स आ जाती है और मतलब ये एक एहतियातन सुरक्षा होती है जिससे कि मतलब किसी प्रकार की कोई भी जो है अप्रिय घटना ना घटे। और आप हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे बगल पूरी फोर्स लगी हुई है और चारों तरफ जो है एक ऐसा माहौल है कि पुलिस चप्पे चप्पे पर निगाह रखे हुए है, आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है और उसकी बहुत सघन तलाशी भी ली जा रही है किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या किसी भी ऐसे व्यक्ति को लेके कि कोई भी अंदर राम जन्मभूमि, हम जहाँ पे ये खड़े हुए हैं ये रास्ता राम जन्मभूमि को जाता है और इसलिए इस राम जन्मभूमि परिसर में के रास्ते पे जो है बहुत फोर्स लगी है, चारों तरफ बैरियर लगे हुए हैं जिसमें कि फोर्स समय समय पर 2 पहिया 4 पहिया जितने भी वाहन है सबकी तलाशी ले रहे हैं अधिकारी की। राजीव, जिस तरीके से आपके पीछे पुलिस भी दिखाई दे रही है, एक बार जाके बात करने की कोशिश कीजिए कि सुरक्षा कितनी टाइट यहाँ पर कर दी गई है, एक बार उनसे जानकारी लेने की, क्योंकि जिस तरीके से शांतिप्रिय माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर कितनी पुख्ता तैयारी यहाँ पर की गई है, एक बार जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। जी जी, ये हमारे साथ एक हमारे PSC के जवान है जो की यहाँ सुरक्षा में मुस्तैद है। आप हमें बताएंगे सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे कैसी है और आपका ड्यूटी कैसी चल रही है? ड्यूटी सर बहुत अच्छी चल रही है, यहाँ किसी तरह की कोई भी दंगा या कोई साथी कोई भी ना ही काला दिवस मनाया जा रहा है, हर चीज आराम से चल रहा है, सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। जैसा कि आप राम जन्मभूमि के मार्ग पे लगे हुए हैं और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था आज 6 दिसंबर है और तो गाड़ियों की वाहनों की सबकी चेकिंग हो रही है, उसमें आप लोग कैसी मुस्तैदी दिखा रहे हैं? इतना सर बिल्कुल मुस्तैदी से सबको चेकिंग, शक के अनुसार सबको चेक किया जा रहा है और जिसको शक है उनको पूरा अच्छे से सघन तलाशी ली जा रही है। बिल्कुल जी निश्चय, ये हमारे साथ PSC के जवान हैं जो कि लगातार सुरक्षा में तैनात हैं और ये लोग जो है एकदम मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की मतलब ये हीला हवाली नहीं होने देना चाहते हैं कि किसी प्रकार की अयोध्या की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई सेंध लगे। चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आतंकी संगठन TRF ने PM पैकेज के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को धमकी दी है। पिछले 208 दिनों में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर PM पैकेज के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को, यहां पर रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारी हो, आतंकियों की धमकी और हो रही लक्षित हत्याओं के कारण जम्मू स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर घाटी के हालात सामान्य नहीं हैं क्योंकि आए दिन आतंकी कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं। अब आतंकियों ने उन कर्मचारियों की लिस्ट जारी कर दी है जो घाटी में अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार आतंकियों के पास PM पैकेज के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की लिस्ट कैसे पहुंच गई? कहीं ना कहीं कोई बीच का आदमी आतंकियों के साथ साठगांठ किए हुए बैठा है। एजेंसीज को इस बात का पता करना चाहिए, वरना अगर ऐसे हालात रहेंगे तो घाटी में कोई भी काम करने के लिए नहीं आ पाएगा। 57 लोगों की लिस्ट जारी होने के बाद आतंकियों ने कहा है कि हम अब नॉन लोकल की लिस्ट जारी करेंगे और फिर रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारियों को भी लिस्ट उनकी निकालेंगे। अगर वो लोग यहाँ पर काम करने आएंगे तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसी डर के चलते PM पैकेज के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को खुद तो वो डरे हुए हैं, परिवार वालों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई हैं और वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को मौत के मुँह में नहीं धकेलना चाहते हैं।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आतंकी संगठन TRF ने PM पैकेज के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को धमकी दी है, एक बार पूरी जानकारी। देखिए निशा, लगातार जिस प्रकार से मई और जून माह में एक टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, चाहे वो बाहरी राज्य से आने वाले कर्मचारी हो या PM पैकेज के तहत काम करने वाले कर्मचारी हो या फिर कहा जाए रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारी, लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा था। रजनी बाला जो रिजर्व कैटेगरी की थी उनको निशाना बनाया गया, वही PM पैकेज के तहत काम करने वाले कर्मचारी थे उनको भी निशाना बनाया गया। तो इसको लेकर एक बार फिर KRF जो है लश्कर ए तैयबा का ही एक गुट है और उसने लिस्ट निकाली है उन कर्मचारियों की जो घाटी में PM पैकेज के तहत काम करते हैं और उनका बकायदा लिस्ट में नाम है, किस जगह पर तैनात हैं वो भी उसमें मेंशन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निशा ये पैदा होता है कि आखिरकार ये लिस्ट जो निकाली है TRF ने उनके पास कैसे पहुंची, क्योंकि ये गोपनीय लिस्ट है और ये सिर्फ सुरक्षा बलों को पता है कि कौन सा कर्मचारी कहां लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये लिस्ट बाहर आई, इससे पहले भी आतंकियों ने धमकी भरे पत्र जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं और अब इनका बाकायदा नाम और स्थान ये भी लिस्ट जारी की है। इसके बाद कर्मचारियों में कहीं ना कहीं भय का माहौल है, हालांकि वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको जम्मू स्थानांतरित किया जाए। कर्मचारी चाहे PM पैकेज के हों या रिजर्व कैटेगरी के, लगातार यही मांग कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी के हालात जो हैं वो सामान्य नहीं है, यही वजह है कि हमें जम्मू में किसी भी स्थान पर स्थानित किया जाए ताकि हम लोग अपना काम कर सके। लेकिन सरकार जो है उन पर दबाव बना रही है, उनकी तनख्वाहें जो है सरकार ने बंद कर रखी है। सरकार का कहना है कि आप घाटी में जाके काम करें, लेकिन सरकार को समय ना होगा। अगर ऐसे हालात बने हुए हैं तो कौन वहां मौत के मुंह में जाना चाहेगा। इसी वजह से परिवार वालों को भी चिंता है और किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को मौत के मुंह में नहीं भेजेंगे, क्योंकि कब ना जाने आतंकी इनकी हत्या जो है वो कर दें। ऋषभ, बिल्कुल सही रविंद्र, जिस तरीके से अब सवाल यही खड़ा उठता है कि PM पैकेज के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की जो लिस्ट थी वो आतंकवादियों तक कैसे पहुंची, तो क्या कुछ पता चल पाया है कि कौन व्यक्ति इन सब के बीच बैठा हुआ है जो आतंकियों से भी सांठगांठ किए हुए है और जिसे जो PM पैकेज के कर्मचारी है उनकी लिस्ट के बारे में पता है, क्या इस बारे में कोई जानकारी सामने आ पाई हो? जी देखिए, अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, ना ही इस पर कोई सुरक्षा एजेंसी जो है वो बोल रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आखिरकार जिस प्रकार से TRF ने एक लिस्ट निकाली है PM पैकेज के तहत, उसने ये भी कहा है कि जो नॉन लोकल लोग हैं उनकी भी लिस्ट जारी की जाएगी और जो रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट भी जल्द ही बाहर आएगी और जो भी कर्मचारी यहाँ पर काम करने आएगा उसको मार दिया जाएगा। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीच का जरूर जो है वो वहां पर। चलिए रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सीधे PM मोदी की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि PM नरेंद्र मोदी जो है, आज आपको बता दें डॉक्टर अम्बेडकर परिनिर्माण दिवस है, जहां पर सोनिया गांधी मौजूद हैं। आप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर उपस्थित हैं और PM मोदी भी इसी कड़ी में यहाँ पर पहुँचे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर परिनिर्माण दिवस आज है और जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज जो है इस दिवस में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर
पुष्प अर्पित करते हुए दिग्गज दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने सोनिया गांधी को देखा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। इसी कड़ी में आपको बता दें कि पीएम मोदी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये तस्वीरें डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्माण दिवस की हैं, जहाँ पर सभी दिग्गज मौजूद हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें एनबी न्यूज़ आपको दिखा रहा है, जहाँ पर आपको बता दें डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्माण दिवस के उपलक्ष्य में सभी बड़े दिग्गज जो है यहाँ पहुँचे हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो आज डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। और इसी के साथ ही तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस आज है और बड़े बड़े दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं, जहां पर वो अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं, उसी के साथ सोनिया गांधी यहां पर पहुंची हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंचे हैं। तो तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं और उसी कड़ी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ये सभी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी विधायकों के लिए आगामी दिनों में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस चिंतन शिविर में उत्तराखंड की प्रगति और विकास कार्यों को लेकर विधायक चर्चा करेंगे। पिछले दिनों मसूरी में 3 दिनों तक प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्तराखंड के रोडमैप और प्रगति को लेकर मंथन किया था। इस शिविर में एक दूसरे द्वारा दिए गए सुझावों को अब लागू करने की कवायद की जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसके तहत तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में महिला आरक्षण बिल और धर्मांतरण कानून को विधानसभा में पास किए जाने पर प्रसन्नता भी जताई है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचकर उनके सुझाव एकत्रित कर रहे हैं और उसी के तहत प्रदेश सरकार आगे काम कर रही है। आने वाले दिनों में उसी तरह से विधायकों के लिए भी चिंतन शिविर लगाया जाएगा, जिस तरह से पिछले दिनों मसूरी में अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तारिक अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, एक बार चिंतन शिविर के आयोजन को लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा, मैं आपको बता दूं, अभी सरकार ने अपना चिंतन शिविर किया था, जो 3 दिवसीय चिंतन शिविर हुआ था, जिसमें जो है जो प्रदेश के जो वरिष्ठ अधिकारी है उन सबकी मौजूदगी से जो है यह प्रयास किए गए थे और यह अनुमान लगाया गया था कि उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ाया जाए। वहीं इसी तर्ज पर जो है बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है कि जो उत्तराखंड के बीजेपी के विधायक हैं वो भी जो है एक चिंतन शिविर करेंगे, जिसमें प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ किया जा सकता है उस पर जो है बिल्कुल साफ तौर पर ये उसमें जो है मंशा जो है जाहिर की जाएगी, अपनी क्या चीजें जो है प्रदेश के विकास के लिए और अमल में लाई जा सकती है और किस तरीके से जो है प्रदेश का विकास किया जा सकता है, लोगों की दुख तकलीफ दूर की जा सकती है। निशा, तो महेंद्र भट्ट ने ऐलान कर दिया है कि विधायकों का भी चिंतन शिविर जो है वो करेंगे। जी, जो चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है तारीख, इसमें किन किन मुद्दों पर बात की जाएगी, कौन कौन से विषय सबसे अहम रहेंगे? जी बिल्कुल, पहले जो अभी विधानसभा में जो बिल पास हुए एक धर्मांतरण कानून और महिला क्षेत्रीय आरक्षण, तो इसमें भी जो है बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा गया है कि इन कानूनों के बारे में जो है लोगों को बताया। अन्य जो इस चिंतन शिविर में होगा वो ये होगा कि जो तमाम लोगों से जनहित के जो मुद्दे हैं जो किए जा सकते हैं और नहीं किए जा रहे हैं, तमाम विधायकों की अपने अपने क्षेत्र की जो परेशानी होती है वो सब उसमें जो है विधायक जो है बताएंगे, ताकि वो दूर किए जा सके। और बिल्कुल साफ तौर पर बीजेपी
का जो लक्ष्य है 2024 का है, तो उसमें यह भी चिंता की जाएगी कि जो है 2024 में आखिर कैसे जो है फिर दोबारा से सत्ता में आया जाए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन जो है सिर पर है और प्रदेश अध्यक्ष ने बिल्कुल साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि जो चुनाव है उनमें बीजेपी की जो है प्रचंड जीत होगी। तो इसमें तमाम मुद्दे रहेंगे, चाहे वो चुनाव जीतने का मुद्दा हो, चाहे वो प्रदेश के विकास का मुद्दा हो, चाहे वो क्षेत्र के विकास का मुद्दा हो, तो तमाम मुद्दे इस चिंतन शिविर में उठाए जाएंगे और तमाम विधायक इसमें शिरकत करेंगे। जी तारिक, इससे पहले भी चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था मशहूरी में, इससे पहले जो है चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। बिल्कुल, जो मसूरी में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था उसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, तमाम उसमें मंत्री मौजूद थे, जो आईएएस अधिकारी जो सरकार के बिल्कुल जो है उच्च स्तर के अधिकारी थे उसमें जो है शिरकत की थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल साफ तौर पर अधिकारियों को ये चेताया था कि जो फाइलें हैं वो किसी भी हाल में जो है पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना किया जाए कि इसकी फाइल उसको और इस विभाग की फाइल उस विभाग को दी जाए। जबकि बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह कहना था कि जो भी फाइल आए उसे जल्द से जल्द जो है निपटा लिया जाए, किसी भी तरीके की प्रदेश की जनता को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि फाइलों के चक्कर में इधर उधर भागता रहे। और बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने यह हिदायत भी दी थी कि अधिकारी अपना काम एक दूसरे पर ना डालें, बल्कि अगर किसी अधिकारी के पास कोई काम आता है, कोई जो है जनता जो कोई अपनी जो है दिक्कत लेकर आता है, तो उसे तुरंत जो है उसका समाधान किया जाए। तो चिंतन शिविर में कुल मिलाकर यही हुआ था कि सरकार ने चिंता की थी कि कैसे प्रदेश के विकास को जो है आगे बढ़ाया जाए और कैसे प्रदेश में जो दिक्कत है उन्हें दूर किया जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें निकले। तो फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।